बोल रहे हैं कि डायरेक्ट सीएम सर। इंडिया एलायंस जिंदाबाद, जोरदार नारा होना चाहिए, इंडिया एलायंस जिंदाबाद। आवाज नहीं आ रहा, इंडिया एलायंस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, इंडिया एलायंस जिंदाबाद, चंपा सोरेन जिंदाबाद। मंच के बाएं तरफ जो ब्रैकेटिंग लगा है, आप लोग मंच में प्रवेश कर जाएंगे, ब्रैकेटिंग के बाहर जितने भी लोग हैं, यहां जाइए। इंडिया गठबंधन के स्टेज पे वरिष्ठ नेता, हमारे भाइयों और बहनों, इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी के हमारे प्यारे कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। इतने दूर दूर से आप हमारी बात सुनने आए, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद और जोहार। मैंने यहां जोहार शब्द का प्रयोग किया, मैंने नमस्कार नहीं बोला, जोहार बोला। क्यों? क्योंकि ये आदिवासियों का शब्द है, इसमें आपकी आवाज अच्छी गूंजती है, आपकी आवाज अच्छी सुनाई देती है। भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव है, ये आदिवासियों के भविष्य के लिए, दलितों के भविष्य के लिए, पिछड़ों के भविष्य के लिए एक बहुत जरूरी चुनाव है। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, चंपाई सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी और हम सब मिलकर संविधान की रक्षा कर रहे हैं। ये भाइयों और बहनों, ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये जो किताब है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये आपकी आवाज है, ये आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, गरीबों की आवाज है। और बीजेपी इस आवाज को चुप करना चाहते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस संविधान को फाड़ कर फेंकना चाहते हैं। जो भी आदिवासियों को मिला है आज तक हिंदुस्तान में, जो भी आपको मिला है वो इस किताब ने आपको दिया है। आप एक साथ हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ, आपके बड़े बड़े नेताओं ने इस किताब के लिए कुर्बानी दी थी, अपनी जान दी थी, और आज इस किताब को, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बीजेपी के लोग खत्म करने में लगे हुए हैं। भाइयों बहनों, संविधान से आपको आरक्षण मिलता है, संविधान से आपको नौकरियां मिलती हैं, संविधान से आपके बच्चों की शिक्षा होती है, संविधान से आपका अस्पताल में इलाज किया जाता है। अगर ये मिट जाएगा
तो आदिवासी कहीं के नहीं रहेंगे, दलित और पिछड़ा वर्ग कहीं का नहीं रहेगा। सारा का सारा 10-15 अरबपतियों के हाथ में चला जाएगा। अदानी नाम है, आप जानते हो, उसकी नजर आपकी जंगल जमीन और जल पर है और नरेंद्र मोदी उसके लिए काम करता है। और अदानी जी चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। हम ये कभी नहीं होने देंगे, इस किताब को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। इस किताब के लिए हम जान देने को तैयार हैं, सारे के सारे आदिवासी। मैं, चंपा सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी, सारे के सारे इस किताब की रक्षा के लिए जान देने को तैयार है। भाइयों और बहनों, मैं आपको एक जरूरी बात कहने आया हूं। आपको हम आदिवासी कहते हैं। आदिवासी शब्द का मतलब वो लोग जो इस जमीन के पहले मालिक हैं। अब देखिए, अगर किसी खेत का मालिक होता है, किसी घर का मालिक होता है, तो उसको अधिकार मिलते हैं। तो जब हम आपको आदिवासी कहते हैं, हम ये भी कह रहे हैं कि जल जमीन और जंगल ये सबसे पहले आपका था, और क्योंकि ये सबसे पहले आपका था इसीलिए आपको इस जल पर, जंगल पर, जमीन पर अधिकार मिलने चाहिए। और जो हिंदुस्तान में धन है, जो हिंदुस्तान की अलग अलग संस्थाएं हैं, उसमें आपको भागीदारी मिलनी चाहिए। ये हमारे प्रेस के मित्र खड़े हैं, ये पूरे हिंदुस्तान का माहौल बनाते हैं। मगर आपको मालूम है कि ये लोग आदिवासियों की बात कभी नहीं करते। आदिवासी को बीजेपी के कार्यकर्ता ने आदिवासी युवा के मुंह पे पेशाब किया, आदिवासियों पर बलात्कार होता है, मगर मीडिया वाले कभी नहीं दिखाते हैं। ये आपको अंबानी जी की शादी दिखा देंगे, उनके बेटे को 8-10 करोड़ रुपए की घड़ी पहनते हुए दिखा देंगे, पूरी दुनिया के एक्टर दिखा देंगे, एक्ट्रेसेस दिखा देंगे, मगर आदिवासियों के दिल में जो दर्द है, जो उनके साथ अन्याय होता है, वो आपको मीडिया में कभी नहीं दिखेगा। भाइयों और बहनों, इसका कारण है क्योंकि अगर आप मीडिया के कंपनी के मालिक देखोगे, मालिकों की लिस्ट देखोगे, आपको एक आदिवासी नहीं मिलेगा। अगर आप इनके एंकर्स के नाम देखो, इनके बड़े बड़े पत्रकारों के नाम देखो, आपको एक आदिवासी, एक पिछड़ा, एक दलित नहीं मिलेगा। यह सच्चाई है। कल्पना सोरेन जी, आपका स्वागत, नमस्कार। देखिए, इनके पति को जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको जेल में डाल दिया है। आदिवासी चीफ मिनिस्टर को बीजेपी ने जेल में डाला है। हेमंत सोरेन छूटेगा तो आप मीडिया देखो, हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियां देखो,
बड़े बड़े संस्थाएं देखो, आपको आदिवासी नहीं मिलेगा, दलित नहीं मिलेगा, पिछड़ा नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर है, पूरा का पूरा बजट वही बांटते हैं। झारखंड में कितना पैसा आएगा, रेलवेज में कितना जाएगा, शिक्षा में कितना जाएगा, सारा का सारा 90 लोग डिसाइड करते हैं। भाइयों और बहनों, आप हैरान हो जाओगे, चौंक जाओगे। उन 90 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति आदिवासी है। आप 8% हो हिंदुस्तान के, मगर सरकार में 90 लोगों में आपका सिर्फ एक व्यक्ति है। और वो जो अफसर है दिल्ली में बेचारा काम करता है, उसे छोटे से ऑफिस में पीछे रख रखा है, उसे कोई बड़ी मंत्रालय नहीं दी जाती है, उसे पीछे किनारे करके चुप कर दिया जाता है। भाई और बहनों, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, बजट में 100 रुपए खर्च करती है, तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। आप सोचिए, आपका आपकी आबादी 8% और आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे, ये है आपकी सच्ची हालत बीजेपी के सरकार में। कोई आवाज नहीं है। हम आपको आदिवासी कहते हैं, वो आपको वनवासी कहते हैं। ये वनवासी शब्द का क्या मतलब है? ये अपमान है आप पर, ये गाली है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। नहीं, आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो। आप वो लोग नहीं हो जो जंगल में रहते हैं, आप वो लोग हो जिनका जमीन पर, जल पर, जंगल पर पहला अधिकार बनता है। और वो आपको अधिकार नहीं देना चाहते हैं, वो आपको दबाना चाहते हैं। और आपको बड़े बड़े शहरों में डोमेस्टिक वर्कर का काम करवाना चाहते हैं, मजदूरी करवाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने। ये फर्क है उनमें और हम में। हम चाहते हैं कि आपको हिंदुस्तान में भागीदारी मिले। हम चाहते हैं कि आदिवासी युवा आगे बढ़े, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने, बिजनेस चलाए, बड़े बड़े उद्योगपति बने। हम ये चाहते हैं। भाई और बहनों, आप सोचिए, आज ये आपको वनवासी कहते हैं और फिर पूरे हिंदुस्तान से जंगल को मिटाना चाहते हैं। जंगल वो अदानी को देते हैं और फिर कहते हैं, भैया आप लोग वनवासी हो, कुछ ही साल में ये लोग जंगल खत्म कर लेंगे, सारा का सारा जंगल अदानी को दे देंगे। और फिर आपसे कहेंगे, भैया आप तो वनवासी हो, अब तो वन है ही नहीं, तो आप जाके भीख मांगो। ये इनकी सच्चाई है। भाइयों और बहनों, इनकी नीयत खराब है। ये नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े। आप किसी भी बीजेपी नेता से पूछो, मैं चैलेंज करता हूं, आप किसी भी बीजेपी नेता से पूछो और उससे कहो कि आप हमें बताओ कि हम आदिवासी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जमीन पर, जंगल पर, जल पर हमारा पहला हक बनता है, क्योंकि हम यहां पहले मालिक थे। किसी भी बीजेपी नेता से पूछो और उससे कहो कि यह सच है या नहीं, वो आपको जवाब नहीं दे पाएगा। वो आपसे कहेगा, नहीं भाई, आप तो वनवासी हो, आप जंगल में रहो, आप ऐसे सवाल मत पूछो, अधिकार की बात मत करो। भाई और बहनों, 10 साल नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को फायदा पहुंचाया। मैं आपको आज सिर्फ 2-3 चीजें कहने आया हूं, हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं। यहां मुझे आदिवासी महिलाएं दिख रही हैं, आप यहां खड़ी हो, मैं आपको बताना चाहता हूं हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं। क्रांतिकारी काम जो किसी सरकार ने, दुनिया की किसी सरकार ने नहीं किया,
वैसा काम इंडिया गठबंधन करने जा रहा है। उन्होंने उन्होंने अभी ताली मत बजाइए, क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा ना, ताली 5 मिनट चलेगी, आप देखना अपने आप ऑटोमेटिक 5 मिनट ताली बजेगी, देख लेना। तो भाई और बहनों, उन्होंने 22 अरबपति बनाए, अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी करोड़ों लाखपति कैसे बनाएगी। आप सपना भी नहीं देख सकते जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो होने वाला है, आप सपना भी नहीं देख सकते कि ऐसा काम किया जा सकता है। अब सुनिए, सबसे पहले हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, उसमें सबसे ज्यादा परिवार आदिवासी, दलित और पिछड़े होंगे। करोड़ों परिवार हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते, भोजन नहीं खा पाते, बीमार होते हैं, इलाज नहीं कर पाते। करोड़ों ऐसे लोग हैं, उनकी लिस्ट बनेगी, उनमें सारे के सारे परिवारों की लिस्ट बनेगी, और फिर हर गरीब परिवार में से हम एक महिला का नाम चुनेंगे, उस महिला के बैंक अकाउंट में 10-20 हजार रुपए नहीं, 50 हजार रुपए नहीं, 90 हजार रुपए भी नहीं, हम 1 लाख रुपए साल के डाल देंगे। आप सोचो, 1 लाख रुपए एक साल के, 8,500 रुपए महीने के, टका टक हर महीने। क्या समझ रखा है बीजेपी वालों ने? अगर वो उनको करोड़ों रुपए दे सकते हैं, तो हम करोड़ों लोगों को लाखपति बनाएंगे। करो जो करना है, कहना है जो कहो, मीडिया वाले जितना चिल्लाना है चिल्लाओ आप लोग, हम करोड़ों आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को लाखपति बनाने जा रहे हैं। बैंक अकाउंट पे साल का 1 लाख रुपए डालेंगे, ये लो। ऐतिहासिक काम है भाई और बहनों, आदिवासियों की जिंदगी बदल जाएगी, दलितों की, पिछड़ों की जिंदगी बदल जाएगी। आप अपने बच्चों का इलाज कर पाओगे, उनको शिक्षा दिलवा पाओगे, स्वादिष्ट भोजन दिलवा दोगे। 1 लाख रुपए भाइयों और बहनों, करोड़ों महिलाओं को। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, राहुल जी आप महिलाओं को क्यों दे रहे हो, हमने क्या गलती की, पुरुषों ने क्या गलती की? मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए 21वीं सदी में स्त्री और पुरुष दोनों काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, घर के बाहर 8 घंटा 10 घंटा दोनों स्त्री और पुरुष काम करते हैं, और फिर दोनों घर वापस आते हैं, और स्त्री हमारी बहन, हमारी माता 8 घंटे और घर में काम करती है। भाइयों और बहनों, पुरुष 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं, 21वीं सदी में हिंदुस्तान की महिलाएं, आदिवासी महिलाएं 16-18 घंटे काम करती हैं। ये शायद हमारे भाइयों को अच्छी बात अच्छी ना लगे, मगर ये बात सच है, और इसीलिए हम महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया डालने जा रहे हैं। और मैं जानता हूं कि वो पैसा महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा, मगर हमारे जो भाई हैं दबाव डालकर, प्रेशर डाल के वो पैसा महिलाओं से भी थोड़ा ले लेंगे। सच है तो बोलना पड़ता है भाई और बहनों। हम पैसा कानून लाए, जमीन अधिकरण बिल लाए, ट्राइबल बिल लाए, इन सब को बीजेपी ने कमजोर किया। हम आपका जल, जमीन,
और जंगल का हक आपको देंगे, आपकी जमीन वापस आपको देंगे। जहां तक रोजगार की बात है, पहली नौकरी पक्की स्कीम लाए हैं। जो भी ग्रेजुएट है, कॉलेज ग्रेजुएट, स्कूल यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर, आदिवासी वर्ग, दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, माइनॉरिटी, जो भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं, उनको हम पहली नौकरी का अधिकार देने जा रहे हैं। आप जाएंगे, आप हिंदुस्तान की सरकार को कहोगे कि मैं बेरोजगार हूं, नरेंद्र मोदी ने मुझे बेरोजगार किया, मुझे झूठा वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, वो झूठ था, उल्टा नोटबंदी कर दी, गलत जीएसटी लागू कर दी, अब मैं इंडिया सरकार से अपना अधिकार मांगना चाहता हूं, मुझे आप पहली नौकरी दीजिए, यह आपका अधिकार है। जैसे ही आप सरकार को कहोगे, सरकार को यह पूरा करना पड़ेगा, यह अधिकार आपको देना पड़ेगा। 1 साल की नौकरी, बेहतरीन ट्रेनिंग, 8,000 रुपए महीने के, साल के 1,00,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में जाएंगे। हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार युवाओं को इस स्कीम से जबरदस्त फायदा होगा। किसानों की बात करता हूं, किसानों को बीजेपी ने दबाया, कुचला, मध्य प्रदेश में उन पर गोली मारी। हम पहला काम किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं और किसानों को पहली बार दुनिया में कानूनी एमएसपी दी जाएगी। आप जो भी उगाते हो उसके लिए हम एक कानून बनाएंगे कि कम से कम दाम पर, उससे कम दाम पर नहीं बेचा जा सकेगा। आपको कम से कम बेहतरीन दाम अपने अनाज के लिए, शुगर केन के लिए, धान के लिए गारंटी करके कांग्रेस पार्टी सरकार देगी। आखिरी बात रही है मजदूरों की बात। आप मनरेगा में काम करते हो, आशा आंगनवाड़ी की महिलाएं काम करती हैं, आज आपको मनरेगा में 250 रुपए मिलता है ना। चुनाव के बाद इंडिया की सरकार आएगी, 400 रुपए मिलेगा। और आशा और आंगनवाड़ी महिलाएं जो है उनकी आमदनी हम दुगनी कर रहेंगे। आप लोगों को ठेकेदारी प्रथा से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। आपको परमानेंट सरकार में और पब्लिक सेक्टर में परमानेंट नौकरी नहीं दी जाती, आपको ठेकेदारी सिस्टम से नौकरी दी जाती है। जब भी ये आपको निकालना चाहते हैं आपको निकाल देते हैं, कम पैसा देते हैं, ठेकेदार फायदा उठा ले जाता है, आपके जेब में कुछ आता नहीं। सही बात है ना। सरकार में, अब सुनो, इलाज सुनो, सरकार में पब्लिक सेक्टर यूनिट में ठेकेदारी प्रथा को हम खत्म करने जा रहे हैं। अगर आदिवासी भाइयों को, बहनों को, दलित बहनों भाइयों को, ओबीसी भाइयों और बहनों को, जनरल कास्ट, गरीब लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को सरकार में नौकरी मिलेगी, पब्लिक सेक्टर में नौकरी मिलेगी, तो परमानेंट नौकरी मिलेगी, पेंशन के साथ नौकरी मिलेगी, ठेकेदारी प्रथा के साथ नौकरी नहीं मिलेगी। यह मैं आपसे कहना चाहता था। अंत में भाइयों और बहनों, इसको बचाना है, यह आपकी आवाज है, हम सब मिलकर आपकी आवाज को बचाएंगे। यह आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, मैं आपको स्टेज से गारंटी दे रहा हूं, ये जो 50% का लिमिट बना रखा है, आरक्षण पर लिमिट बना रखा है, इस लिमिट को 50% को हम फाड़ के फेंक देंगे, आरक्षण को हम 50% से ज्यादा कर देंगे, तो सबको फायदा होगा, हम सबको लेकर एक साथ आगे बढ़ेंगे। ये नफरत फैलाते हैं, हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, इनके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। आप सबका दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जोहार, जय झारखंड। राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद।